गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर हुआ कम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे कच्छ का दौरा। अमित शाह सुबह 9 बजे भुज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, तूफान से हुए नुकसान का लेंगे जायजा, हालात की करेंगे समीक्षा। अमित शाह प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे, सीएम भूपेंद्र पटेल भी गृह मंत्री के साथ करेंगे दौरा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सभी एजेंसियों की तारीफ की, कहा हम एक बड़ी आपदा से लड़ने में सक्षम हुए हैं। भूपेंद्र पटेल ने जनता के सहयोग के लिए जताया आभार, कहा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में ये हुआ संभव। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने छोड़े तबाही के निशान, कच्छ और सौराष्ट्र के 8 जिले हुए प्रभावित। बिपरजॉय की वजह करीब 5000 बिजली के पोल टूटे, करीब 1000 गांव की बिजली कटी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय में करीब 500 घरों को पहुंचा नुकसान, तेज हवाओं के चलते 800 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। बिपरजॉय में अब तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं, प्रशासन ने दी 23 लोगों के घायल होने की जानकारी। गुजरात में एनडीआरएफ ने सिद्धार्थ पार्क के पास की सड़क को किया साफ, भारी बारिश और हवा की वजह से उखड़ गया था पेड़। मांडवी में भी बिपरजॉय ने दहाया कहर, कई इलाकों में भरा पानी, हो रही है बारिश। कच्छ के मुंद्रा, मांडवी और जखौ में तेज हवा के साथ बारिश, प्रशासन की लोगों से घरों में रहने की अपील। भुज में तूफान का साइड इफेक्ट आया नजर, भारी बारिश की वजह से टूटा पुल। द्वारका में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ टीम पानी के बीच कंधे पर बिठाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही। गांधीधाम, भुज, द्वारका और वीरावल में 14 हेल्प सेंटर बनाए गए, पश्चिमी रेलवे के पीआरओ का बयान। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का राजस्थान में दिखने लगा असर, तूफान की वजह से मॉनसून भी देर से आने की आशंका। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर में आज दिखेगा तूफान का असर, आज जारी रहेगी बारिश। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, किसी की भी हालत से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। दक्षिणी राजस्थान में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा, तूफान के असर को देखते हुए जोधपुर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई बारिश, गर्मी से लोगों को मिला निजात। गुरुग्राम में भी भारी बारिश के बाद लगा जाम, गाड़ियों की लंबी कतार आई सामने। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, नेशनल हाईवे 10 भी डूबा। गुरुग्राम के एक वाइन शॉप में 2 लोगों ने की अंधाधुंध फायरिंग, एक शख्स की मौत, एक घायल। पंचगांव चौक पर मौजूद वाइन शॉप में शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे घुसे 2 अज्ञात युवक, 15 राउंड की फायरिंग। दुकान में मौजूद 2 ग्राहकों को लगी गोली, एक की इलाज के दौरान मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दोनों हमलावरों ने 40 सेकंड में पूरी वारदात को दिया अंजाम, फायरिंग करते हुए बाइक से हुए फरार। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता का किया विरोध, देश के लिए अनावश्यक, अव्यवहारिक और हानिकारक बताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की समान नागरिक संहिता पर सरकार को नसीहत, देश के संसाधनों को बर्बाद करके देश में फूट का कारण न बने। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिल रसूल इलियास ने कहा, देश की संस्कृति, भाषाई और धार्मिक विविधता को देखते हुए संविधान में धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया। मौलाना तौकीर रजा ने उत्तराखंड में मजारों को तोड़े जाने और लोगों के पलायन का लगाया आरोप, फिर से आंदोलन की दी चेतावनी। मौलाना तौकीर रजा ने समान नागरिक कानून को बताया बीजेपी का चुनावी स्टंट, कहा बीजेपी चाहती है मुस्लिम इसका विरोध करे जबकि ये हिंदुओं का भी मंजूर नहीं है। हिमाचल के चंबा में दलित हिंदू लड़के के मर्डर के बाद भारी तनाव, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले किया, विरोध प्रदर्शन भी जारी। चंबा हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कहा इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। लव जिहाद पर सीएम योगी की सख्ती, 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज, 833 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट में 125 लव जिहाद केस के पीड़ितों ने कबूली, जबरन धर्मांतरण की बात, नाबालिगों के धर्मांतरण के भी 65 केस दर्ज। यूपी में लव जिहाद के मामलों पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, कहा सख्ती से हो रहा कानून का पालन। रांची के लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर अख्तर का हुआ मेडिकल, पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार से किया था गिरफ्तार। धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री, वो सारे संशोधन हटाए जाएंगे जो संविधान के खिलाफ। बेंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने पर जताई नाराजगी। नागपुर में वीएचपी की दुर्गा वाहिनी के कैंप का आयोजन किया गया, लड़कियों को दी गई आत्मरक्षा की ट्रेनिंग।
दुर्गा वाहिनी की शाखा में 210 लड़कियों को दी गई ट्रेनिंग, लव जिहाद से बचने के लिए टिप्स दिए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का देर रात पहुंचा अगरतला, सीएम माणिक साहा ने किया एयरपोर्ट का स्वागत। जेपी नड्डा आज दक्षिण त्रिपुरा के संतरा बाजार में करेंगे रैली को संबोधित, केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताएंगे। यूपी में अघोषित बिजली कटौती से सीएम योगी नाराज, ऊर्जा मंत्री और विद्युत निगम के चेयरमैन को किया तलब। सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, कहा फीडर वाइज तय हो जवाबदेही, जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली करें मुहैया। सीएम योगी ने पैसों की कमी से इनकार किया, कहा जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली की हो आपूर्ति। सीएम योगी ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाकर डीएम को मॉनिटरिंग का आदेश दिया, कहा बिजली अधिकारी हरेक फॉल्ट को करे अटेंड। सोनभद्र को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 217 विकास परियोजनाओं किया उद्घाटन और शिलान्यास। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर से नहीं कर सकता कोई खिलवाड़, सोनभद्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले यहां आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बदली तस्वीर, वाराणसी में योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर की मुलाकात, दोनों के बीच करीब आधे घंटे हुई मीटिंग। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और ओपी राजभर के बीच गठबंधन की अटकलें तेज, पूर्वांचल को लेकर भी दोनों नेताओं में बातचीत। योगी से मिलने के बाद इशारों इशारों में बोले ओपी राजभर, यूपी में एनडीए को घबराने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव पर सियासी संग्राम, हिंसा के आरोपों से टीएमसी का इनकार, सीएम ममता बनर्जी बोली बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट जब मिले हुए हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसी सीएम ममता बनर्जी, कहा बीजेपी के खिलाफ साथ देने को तैयार लेकिन लेफ्ट से हाथ मिलाने पर बंगाल में साथ नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का ऐलान, 2024 में पीएम मोदी को उनकी कुर्सी से हटा देंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृहमंत्री अमित शाह को ने लिखा, पंचायत चुनावों की सुरक्षा स्थिति में तुरंत दखल करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के हालात चुनाव कराने के लायक नहीं है, लोगों पर हो रहे हैं हमले, सुकांता मजूमदार का बयान। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का निशाना, हिंसा पर ममता और पुलिस का बर्ताव, लोकतंत्र में काला अध्याय। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा बंगाल में लोकतंत्र के लिए बीजेपी लड़ रही है लड़ाई, टीएमसी हिंसा से लड़ रही है चुनाव। बंगाल में पंचायत चुनाव, हिंसा पर गवर्नर सीवी आनंद बोस एक्टिव, हिंसाग्रस्त साउथ 24 परगना के भांगर का किया दौरा। मुर्शिदाबाद के नवग्राम में टीएमसी नेता की पिटाई की गई, बाद में गोली मारकर हत्या की गई, नवग्राम इलाके के टीएमसी अध्यक्ष थे मुजम्मिल शेख। नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर सियासत तेज, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया हमला, कहा बीजेपी कुछ नया खोल लेती, नया खोलने में क्या है समस्या। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा उन्हें गांधी नेहरू परिवार से है समस्या, राहुल गांधी का संसदीय दर्जा छीना, बंगाल छीना। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरों के इतिहास मिटाने चले। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर जताई तीखी प्रतिक्रिया, कहा छोटी सोच वाली मानसिकता। कांग्रेस के आरोपों पर बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, सवाल पूछने से पहले जाकर देखे, पहले से बेहतर हो गया है, बदला गया नेहरू मेमोरियल और लाइब्रेरी का नाम, अब इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी नाम से जाना जाएगा। 19 जून को महागठबंधन से समर्थन वापस लेने का ऐलान करेंगे जितिन राम मांझी, उसी दिन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मांझी के समर्थन में उतरे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, नीतीश को बताया रावण, नीतीश ने मांझी को बताया था घर का भेदी। नीतीश के आरोपों पर जितिन राम मांझी का पलटवार, जो खुद जासूसी करता वो दूसरों को भी वैसा समझता। सीएम नीतीश ने जितिन राम मांझी को बताया था मुखबिर, कहा बीजेपी को देते थे हमारी खबर। सीएम नीतीश की सभी विपक्ष दलों को दो टूक, कहा मिलकर लड़ेंगे तो ही सफल हो सकेंगे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का दावा, विपक्ष का एक साथ आना बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के महाराष्ट्र दौरे पर नाना पटोले का बयान, कहा हमने उन्हें किया है आमंत्रित, सांगली में करेंगे सभा। उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप, राहुल गांधी ने ही कर्नाटक सरकार से सावरकर का चैप्टर हटाने को कहा। केजरीवाल के ऑफर पर कांग्रेस का पलटवार, गौरव वल्लभ ने कहा नहीं करते, पैसे दो जूते ले तो लो ले की राजनीति। केजरीवाल ने कांग्रेस से कहा था कांग्रेस छोड़ो, दिल्ली पंजाब तो नहीं लड़ेंगे, एमपी राजस्थान में चुनाव।
मणिपुर में केंद्रीय मंत्री का घर जलने के बाद सियासत तेज, कांग्रेस का सवाल, पीएम अब भी चुप, अमेरिकी यात्रा की तैयारी में बिजी। कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति पर तत्काल सर्वदलीय बैठक की मांग की। केसी वेणुगोपाल बोले, 40 दिन से जल रहा है राज्य। मणिपुर हिंसा को लेकर ममता का केंद्र और बीजेपी पर हमला, बोली सेंट्रल फोर्स तैनात थी लेकिन मंत्री का घर जला दिया। अखिलेश यादव ने मंत्री के घर हुए हमले की निंदा की, हिंसा की आग जब फैलती है तो पलटवार करती है। घर पर हमला होने पर बोले केंद्रीय मंत्री आर के रंजन, मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट। मंत्री आर के रंजन सिंह की लोगों से शांति की अपील, कहा हिंसा से हूं दुखी। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक कार और स्कूटर की टक्कर, स्कूटर सवार सिर में चोट लगने से बुरी तरीके से घायल। स्कूटर सवार को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी विधायक गुरदीत सिंह सेखो के कार और एक बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत, घटना की जांच जारी। कुपवाड़ा मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए, तलाशी में बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। अमेरिका में पीएम मोदी की यात्रा से पहले स्वागत की जोरदार तैयारी, व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी झंडे के साथ लहराया तिरंगा। पीएम मोदी की 21 जून से 24 जून तक होगी अमेरिका यात्रा, अमेरिकी संसद के दूसरी बार संबोधित करेंगे पीएम। पीएम मोदी के दौरे पर कोविड-19 कोऑर्डिनेटर आशीष झा ने कहा, ये भारत अमेरिका के संबंधों के लिए रोमांचक समय, दो सबसे बड़े लोकतंत्र एक जैसी चुनौतियों का कर रहे हैं सामना। आशीष झा ने कहा, ये दोनों देशों की साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण समय। कोविड-19 कोऑर्डिनेटर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वॉशिंगटन डीसी में स्वागत, उनके यहाँ आने से हम सभी बहुत उत्साहित। यूएन की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने किया ट्वीट, लिखा पीएम मोदी के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए उत्सुक। स्वामी रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा योगा डे की थीम, युग के लिए योग, योग धर्म से हम बनेंगे आत्मनिर्भर। स्वामी रामदेव का बयान, कहा आज 200 देशों में पहुंचे पतंजलि के प्रोडक्ट्स, कंपनी का टर्नओवर 45,000 करोड़ रुपए हुआ। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में मोदी का संदेश, कहा ग्लोबल साउथ की GDP में करीब 30% कृषि का योगदान। हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डेलीगेट्स का किया स्वागत। रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा 25 साल बाद देश नए लक्ष्यों का कर रहा है निर्माण। उधमपुर में CRPF कर रही है तैयारी, अमरनाथ यात्रा को सुचारू और दुर्घटना मुक्त सुनिश्चित करने के लिए हो रही है तैयारी। 137वीं बटालियन CRPF के सेकेंड इन कमांडर करतार सिंह ने बताया, अमरनाथ यात्रा के समय बढ़ जाती है जवाबदेही। पुरी में जगन्नाथ यात्रा को लेकर पुलिस विभाग के किए गए विशेष इंतजाम, IG आशीष ने बताया सुरक्षा और रथ को खींचने के लिए हमारे पास पर्याप्त तैनाती। ट्रैफिक रेगुलेशन के साथ साथ कॉर्डन ड्यूटी और तट की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त तैनाती, करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को किया जाएगा तैनात। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में फिर से आई गिरावट, 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब 75 करोड़ डॉलर पर पहुंचा, RBI ने 9 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, प्रीति चंद्रा को ईडी की याचिका पर नोटिस। एशियस टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को करनी होगी सदी हुई बल्लेबाजी, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट गवाए 14 रन बनाए, वार्नर और ख्वाजा क्रीज पर मौजूद। एशियस टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने की धुआंधार बैटिंग, 8 विकेट पर 393 रन बनाकर पारी घोषित की। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 118 रनों की नाबाद पारी खेली, बेयरस्टो ने 78 गेंदों में 78 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली ने 61 रन बनाए, ब्रुक ने 32 और ओली पोप ने 31 रनों की पारी खेली। जो रूट ने पूरा किया अपना 30वां टेस्ट शतक, सर डॉन ब्रैडमैन ने 29 टेस्ट शतक का तोड़ा रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन लियोन ने सबसे अधिक 4 विकेट झटके, हेजलवुड ने 2 विकेट लिए, बेलॉन्ड और ग्रीन को 1-1 विकेट मिला। नाथन लियोन की गेंद पर अजीबोगरीब अंदाज में बोल्ड हुए ब्रुक, गेंद पैड के बाद शरीर पर लगी फिर से विकेट पर गिरी। बांग्लादेश ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को जीत के लिए 662 रनों का दिया लक्ष्य, अफगानिस्तान की टीम दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 45 रन बनाए। बांग्लादेश ने पहली पारी में
382 और दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 425 रन बनाए। अफगानिस्तान ने पहली पारी में 145 रन बनाए। इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी किदांबी श्रीकांत हार के बाद टूर्नामेंट से हुए बाहर। मेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे एचएस प्रणय एक तरफा मुकाबले में दर्ज की जीत। पोते करण देओल के संगीत समारोह में पहुंचे अभिनेता धर्मेंद्र, धर्मेंद्र ने गाया यमला पगला दीवाना। बेटे करण देओल के संगीत सेरेमनी में गदर लुक में नजर आए सनी देओल, तारा सिंह बनकर लूटी महफिल। देओल फैमिली में फिल्म देखने को बाद में बोले रवि किशन, फिल्म का ग्राफिक बहुत ही शानदार, सभी को देखनी चाहिए फिल्म।